पल पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आदाब, पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदी मक्कम। 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है और उसी के साथ ही 2019 की तैयारियों में सभी पार्टियां लग चुकी हैं और 2019 से पहले पहले 2014 से 19 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कारनामे किए हैं उसको जनता ने ध्यान में रखा हुआ है। हर वो काम जनता को याद है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किए हैं, पर उसे ये करके बता दिया गया है कि हमने वो काम किए हैं, पर जो असल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं उसके बारे में ना तो हमें बताया जाता है और ना ही उसके बारे में कोई सुबुकाहटे मीडिया द्वारा हम लोगों को बताई जाती है। एक ऐसा काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके बारे में जो अपने आप में महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं और लंबी लंबी डिबेटें छेड़ती हैं, उनमें से एक नाम है अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत और तमाम न जाने और कितनी महिला एंकर। और ये आवाज उन लोगों को, उन महिलाओं की उठानी थी जिनके साथ 2019 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा खिलवाड़ किया गया है जो हर कोई, ये आंकड़े की सच्चाई जब सामने आई है तो हर कोई इसको लेकर के हैरान हो चला है। तो चलिए आखिरकार जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार उसी साल मिल गया था जिस साल भारत देश बना था। एक औपनिवेशिक राष्ट्र रह चुके भारत के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसके 70 साल बाद 2,10,00,000 महिलाओं से वोट देने का अधिकार क्यों छीन लिया गया है, भारत के सामने ये एक बड़ा सवाल है। भारत में महिलाएं बढ़ चढ़ कर मतदान करती हैं। इस साल होने वाले आम चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहने का अनुमान है। अधिकतर महिलाओं का कहना है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालेंगी और वो इसके लिए अपने पति या परिवार से नहीं पूछेंगी। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अलग पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं और महिला पुलिसकर्मियों को उनकी सुरक्षा में लगाया जाता है। पोलिंग स्टेशनों पर कम से कम एक महिला अधिकारी नियुक्त होती है। 2014 में हुए आम चुनावों में 660 से ज्यादा महिला उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। 1951 में हुए पहले चुनावों के मुकाबले ये आंकड़ा कहीं ज्यादा था, क्योंकि उस वक्त महज 24 महिलाएं ही चुनाव मैदान में उतरी थी। राजनीतिक पार्टियां भी अब महिला मतदाताओं को खास महत्व देती हैं, वो उन्हें एक अलग इकाई मानती हैं और उनके लिए कई वादे करती हैं, जैसे सस्ती रसोई गैस देने का वादा, पढ़ाई में स्कॉलरशिप देने का वादा और कॉलेज जाने के लिए साइकिल देने का वादा। लेकिन ये एक हैरान कर देने वाली बात है कि भारत में बहुत सी महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इन महिलाओं की तादाद इतनी है जितनी श्रीलंका की पूरी आबादी। ये दावा एक नई किताब में किया गया है। चुनाव विशेषज्ञ प्रणय रॉय और दोराब सोब्रीवाल ने ये किताब लिखी है। वो कुछ आंकड़ों का अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इसका जिक्र उन्होंने अपनी आने वाली किताब द वर्ल्ड किट डिकोडिंग इंडियाज इलेक्शन में किया है। उन्होंने देखा कि जनगणना के हिसाब से 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं की संख्या कितनी है। इस संख्या के आधार पर उन्होंने महिलाओं की मौजूदा तादाद का अंदाजा लगाया। इसके बाद उन्होंने इस संख्या की तुलना महिला मतदाताओं की ताजा लिस्ट से की। उन्होंने इन दावों में बड़ा अंतर पाया। उन्होंने पाया कि महिला मतदाताओं की लिस्ट में करीब 2,10,00,000 महिलाओं का नाम नहीं है। गायब महिला मतदाताओं में ज्यादातर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिण राज्यों में स्थिति फिर भी बेहतर है। विश्लेषकों का कहना है कि 2,00,00,000 से ज्यादा महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने का मतलब है कि भारत के हर निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 38,000 महिलाएं वोटर लिस्ट में नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे आबादी वाला राज्य है और इस राज्य का चुनावी जीत में अहम योगदान होता है।
लेकिन किताब में लिखे आंकड़ों की माने तो उत्तर प्रदेश की हर सीट में 80,000 महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। यहां से जान लेना भी जरूरी है कि 5 से कम एक सीट पर हार जीत का अंतर 38,000 वोटों से कम का होता है। मतलब ये कि जिन महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब है वो कई सीटों पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। महिलाओं का इतनी बड़ी तादाद में लिस्ट से गायब होना ये बताता है कि इस साल गर्मियों में होने वाले चुनाव में मतदाताओं की संख्या और ज्यादा हो सकती है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में लिंग अनुपात महिलाओं के विपरीत जाता है तो वहां औसत मतदाता पुरुष हो जाता है। ऐसे में हो सकता है कि वहां की महिला मतदाताओं को नजरअंदाज किया जाए। महिला मतदान करना चाहती हैं लेकिन उन्हें मतदान करने नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इससे कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस समस्या के पीछे कुछ सामाजिक कारण भी हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लोगों को मतदान करने से रोककर नतीजों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्या ये एक कारण है? सच का पता लगाने के लिए हमें इसकी और पड़ताल करनी होगी। लिंग अनुपात को पुरुषों के पक्ष में कर देने से भारत में एक समस्या ये हुई है कि महिलाओं को लंबे समय से वोट करने का अधिकार नहीं मिला है। पिछले साल सरकार की एक रिपोर्ट में सामने आई थी कि भारत में महिलाएं पहले से 6.3 करोड़ कम हो गई हैं। इसकी वजह है कि बेटे की चाहत में बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है और बेटों की ज्यादा अच्छे से देखरेख की जाती है। इसके अलावा अर्थशास्त्री शमिका रवि और मुदित कपूर के अनुमान के मुताबिक 6.5 करोड़ से ज्यादा महिला कम हो गई हैं, यानी करीब 20% महिला मतदाता से गायब है। इसमें वो महिलाएं भी हैं जिन्होंने मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और वो महिलाएं भी हैं जिन्हें दुनिया में आने ही नहीं दिया गया। उनका कहना है कि ये चुनाव उस आबादी के लिए हो रहे जहां महिलाएं कृत्रिम रूप से कम दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव अधिकारियों ने महिलाओं को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। चुनाव आयोग कई तरीके से कोशिश कर रहा है कि सभी वोटरों को वोट डालने के लिए लाया जाए। इन तरीकों में वो लिंग अनुपात, इलेक्टोरेट पॉपुलेशन रेशियो और मतदाताओं की उम्र को ध्यान में रखते हैं। इसके लिए वो लोगों के घर घर जाते हैं और इस काम के लिए अक्सर महिला अधिकारियों को भेजा जाता है। गांवों में बाल विकास कर्मचारी और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को इस काम में लगाया जाता है। सरकारी टीवी और रेडियो प्रोग्राम में महिलाओं को रजिस्ट्रेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कई पोलिंग स्टेशन सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाए जाते हैं। चुनाव के समय महिला पुलिसकर्मियों को पोलिंग स्टेशनों पर तैनात किया जाता है। तो क्या वजह है इतनी सारी महिलाएं मतदान करने नहीं आती हैं? क्या एक वजह यह भी है कि कई महिलाएं शादी के बाद अपना पता नहीं बदलती हैं और नए पते के साथ रजिस्टर्ड नहीं करती हैं? 30 से 34 की उम्र की 3% से भी कम महिलाएं सिंगल हैं। क्या इसकी एक वजह यह भी है कि परिवार वाले वोटर लिस्ट में लगाने के लिए महिलाओं की तस्वीर अधिकारियों को नहीं देते हैं? या इसका कुछ इस बात से भी लेना देना है कि मतदाताओं को दबाने के लिए ये क्या किया जा रहा है? डॉक्टर रॉय कहते हैं कि कुछ सामाजिक रुकावटें हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इतनी बड़ी संख्या के वोटर लिस्ट से गायब होने की वजह से हो सकता है कि चुनावों का आयोजन करने में मतदान करने वाले लोगों का कहना है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने बताया कि बीते कुछ वक्त में बहुत सी महिलाओं ने वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब भी महिलाओं के सामने कई सामाजिक रुकावटें हैं। उन्होंने कहा, मैंने कई ऐसे माँ बाप के बारे में सुना है जो अपनी बेटी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं कराते हैं कि इससे उनकी बेटी की उम्र का पता चल जाएगा। उन्हें लगता है कि इससे उनकी शादी होने में दिक्कत आ सकती है। 2019 के आम चुनावों में एक महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में इस समस्या को सुलझाने के लिए वक्त है ही नहीं। डॉक्टर राय का मानना है कि इसका एक ही तरीका है कि उन महिलाओं को भी वोट करने दिया जाए जिसका नाम रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। वो कहते हैं, कोई भी महिला जो पोलिंग स्टेशन आती है और वोट डालना चाहती है, अगर वो अपने 18 साल से ज्यादा होने का सबूत देती है तो उसे वोट डालने दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि 2019 में
2,10,00,000 महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं और इनमें ज्यादातर महिलाओं की संख्या बहुजन समाज से है और मुस्लिम समाज से है। अधिकतर महिलाओं के वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए हैं ताकि अगर ये प्रभाव पड़े तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले और उसके बाद अपनी सरकार कायम की जा सके, जहां हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। अब कहां है उनका ये नारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और असल में जब महिलाओं के लिए काम करने का वक्त आता है तो दूर खड़े हुए नजर आते हैं। शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी की उन महिला मंत्रियों पर जो महिला हो करके भी महिलाओं के अधिकार की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे को भुना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं पर महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करना चाहते। आखिरकार ये कौन से दौर में जी रहे हैं जहां इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं के वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए हैं और इसके बारे में जो महिलाएं एंकर बैठ करके दिन रात भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के दावे करती है, वो अपने ही महिला अधिकार के बारे में दुनिया को बताने से कतराती हैं। जो एक बीबीसी की रिपोर्ट ने 2019 में जो ये ज्यादतियां महिलाओं के साथ हुई है इसकी एक पोल पूरी तरीके से खोल करके रख दी है। तो ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।